नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पेपर में हम जो बीए पार्ट एक मिनट बीए पार्ट सेकंड है उसका हिस्ट्री का पेपर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री जो है उसका पेपर हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पेपर थर्ड है हिस्ट्री, 2019 का पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर बताइए, तो सोचे पूरा पेपर ही डिस्कस कर दिया जाए। तो आइए पेपर डिस्कस करते हैं। देखिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, सबका आपको हम आंसर बताएंगे ऑब्जेक्टिव का। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला, इन विच ईयर द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। खानवा का युद्ध देखिए ऑप्शन में है, 1526 है, 1527 है, 1528 है, 1529 है। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, इसका हम आपको एकदम प्रूफ भी दिखा रहे हैं। देखिए देखिए खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? तो आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा एक गांव का नाम था। किसके किसके बीच में, ये बिटवीन भी पूछ सकते हैं, किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो बाबर एवं मेवाड़ के जो राजा था राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा बड़ा युद्ध था, क्योंकि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक उसके बाद, जो पानीपत का बाद जो बाबर जो है उसका सबसे बड़ा युद्ध यही था खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1927 को लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? तो राजा मान सिंह। सुने भी होंगे कि अकबर के नौरत में राजा मान सिंह भी थे, ये उसके प्रसिद्ध राजपूत सेनापति थे, इसका भी हम आपको आपको हम प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह था। अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह था। गुजरात विजय के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने पहली बार समुद्र देखा। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन एलाई नामक धर्म की स्थापना की। एक ऐसा नया धर्म बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीन एलाई धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है दोनों के बीच में दूरियाँ कम हो, एक नया धर्म चलाया था, ठीक। तो अकबर का सेनापति का नाम क्या था? तो राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शेरशाह, मतलब शेरशाह के द्वारा निम्नलिखित राजवंशों में किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी। तो शेरशाह सर डायनेस्टी नाम ही था, शेरशाह का पूरा नाम क्या था? शेरशाह सूरी, सूरी था, ठीक, शेरशाह सूर पूरा नाम था इसका। तो सूर डायनेस्टी का इन्होंने स्थापना किया था, इसका भी हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी सूर डायनेस्टी का इन्होंने स्थापना किया था, ठीक। नेम्स फरीद खान लोधी, इसका अपना नाम फरीद खान लोधी भी इसी का नाम था। सारा क्वेश्चन का आंसर हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, एकदम विश्वास कीजिए सब सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो एज इट इज आप इसको रट भी सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में है तो आसानी इसका आप जवाब दे सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जीनिथ इन विच मुगल एम्पायर्स रेन, किस मुगलकालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। मतलब एकदम स्थापत्य कला जो था, आर्किटेक्चर था, एकदम हाई लेवल पर था, टॉप लेवल था, जिसको जीनिथ इंग्लिश में से टॉप लेवल क्या कहते हैं, जीनिथ को कहा जाता है। किसके समय में? तो शाहजहाँ के बारे में सुने होंगे कि शाहजहाँ दिल्ली का जो लाल किला कौन बनाया था, शाहजहाँ बनाया था, और आगरा का ताजमहल कौन बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इनके समय में जो आर्किटेक्चर था वो बहुत हाई लेवल पे था, टॉप लेवल पे था। तो इसका आंसर क्या हो गया? शाहजहाँ। इसका भी आप देख लीजिए, प्रूफ देख लीजिए। देखिए मुगल आर्किटेक्चर रीज इट्स जीनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्पायर शाहजहाँ, मुगल एम्पायर जो था उसमें जब स्थापत्य कला अपने शीर्ष पर कब पहुंचा था, तो शाहजहाँ के शासनकाल में। इट्स क्राउनिंग अचीवमेंट बिंग द मैग्निफिसेंट ताजमहल, उसमें जो सबसे बहुत बड़ा जो मैग्निफिसेंट जो था, सबसे जो सुंदर चीज़ उसने क्या बनाया था, तो ताजमहल बनाया था। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेन इंडस्ट्री ऑफ द मुगल पीरियड वाज, मुगलकालीन मुख्य उद्योग क्या था, मुगल काल के समय मुख्य उद्योग क्या था? तो टेक्सटाइल, जो वस्त्र उद्योग था ना मुगल काल के समय, सबसे बड़ा उद्योग था, सबसे बड़ा मुख्य उद्योग यही था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो
ये सब आता भी है, तो आपको ये सब को याद ही कर लेना चाहिए। ठीक, इसका भी हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। देखिए, द क्लॉथ इंडस्ट्री मतलब वस्त्र उद्योग ऑफ इंडिया वाज मोस्ट पॉपुलर एंड इट प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ। कारपेट इंडस्ट्री फ्लोरिस्ड इन आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, बंगाल एंड कश्मीर वेयर सेंटर्स ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री। बंगाल और कश्मीर क्लॉथ इंडस्ट्री का एक सेंटर था। फतेहपुर सिकरी जो नाम आया, ये कहाँ था? अकबर के समय, मतलब मुगल के समय। तो क्लॉथ इंडस्ट्री जो था या टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुगल कालीन का मुख्य आप कह सकते हैं उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज नोन एज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉन एज नेशनल मोनार्क, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, ये तो हमारी विडम्बना है कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान हिंदू सम्राट सब हुए, उनको तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सबको पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ ही उस समय हुआ था जब संविधान बनने के बाद जो मौलाना आज अबुल कलाम आज़ाद को जो शिक्षा मंत्री बना दिया था, मुस्लिम थे, उन्होंने मुगल जो डकैत थे एक प्रकार से, लुटेरे थे, हमारे देश में लूटने निकले थे, उनको उन्होंने हीरो बना दिया। तो अभी तक वैसा ही ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इतिहास सुधर रहा है। तो लेकिन जो है अभी तो ऐसा ही हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? अभी तक जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के बारे में जाना जाता है। आप लोग सुने होंगे कि जो मुगल में सबसे बेहतरीन राजा थे, सम्राट बादशाह अकबर थे, तो इनको जाना जाता था राष्ट्रीय सम्राट के रूप में। किसको जाना जाता था? अकबर। लेकिन ये सही बात नहीं है, ये हमें गलत पढ़ाया गया है। हीरो जो बना दिया है मुगल को, मुगल सब लुटेरे थे, आपको पता है, सब यहाँ कत्लेआम करते थे। जो शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब, एक नंबर का क्या कहते हैं, जल्लाद था, अपने बाप को कैद कर लिया, भाई जो उसका था दारा सिंह को, उसको गर्दन काट दिया, ताकि बड़ा भाई था, सत्ता उसको मिल जाता, तो गर्दन काट के अब बाप को भिजवा दिया। तो ये सब कोई सम्राट नहीं था, लुटेरा था। लेकिन क्या कीज कर सकते हैं, हमें जो पढ़ाया गया है अभी तक वही सही चल रहा है, लेकिन इतिहास सुधर रहा है धीरे धीरे। अब सबको सम्मान मिलेगा जो सम्मान के असली हकदार हैं। तब तक हमें यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ नंबर देखिए, हु कंस्ट्रक्टेड द जीटी रोड? जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था कोलकाता से लेके लाहौर तक, कोलकाता से लेके लाहौर तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। सबसे बड़ा हाईवे बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है सबसे पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ज़कात वाजे, ज़कात क्या था? ज़कात वाजे, ज़कात क्या था? देखिए, ज़कात उस समय एक कर लगाया जाता था, शरीयत, जो मुस्लिम शासन चलता है उसमें शरिया कानून चलता है। अभी आप सुन रहे होंगे इस जो अफगानिस्तान में कह रहा है कि मुस्लिम शासन लागू होगा, शरिया शरिया लागू होगा वहाँ पर। तो जो इस्लाम है उसमें शरिया कानून लगता है, तो उसी में एक कानून है ज़कात। ज़कात एक शब्द जिसका टैक्स लगाया जाता है, जो गैर मुस्लिम होता है या और भी, उस पर एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, जिसको कहते हैं ज़कात। तो ज़कात क्या था? एक प्रकार का टैक्स था, कर था। इसका भी हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। देखिए, शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं, शरीयत, शरीयत मतलब शरिया कानून, जो शरीयत शरिया कानून है मुस्लिम सब में होता है। शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं जिसे इंसान अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके हकदारों के लिए निकालता है। अल्लाह के दिए हुए जो ये सब माल है, अल्लाह का दिया हुआ, उनको मानना है तो उसके लिए निकालता है। इस्लाम की शरीयत के मुताबिक हर एक समर्पित मुसलमान को, किसको? तो समर्पित मुसलमान को चंद्र वर्ष, जो उसका मून ईयर होता है, में अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा गरीबों को दान में देना चाहिए। इस दान को जकात कहते हैं। तो जकात एक प्रकार का दान था, या कह सकते हैं टैक्स लगाया जाता था। जैसे सुने होंगे अकबर भी जजिया कर लगाता था। जजिया कर किस पे लगाता था? गैर मुस्लिम पर, मुस्लिम पर नहीं, जो मुस्लिम नहीं है उस पर, उससे एक प्रकार का टैक्स लेता था जजिया। तो बताइए, नॉन, ये तो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, राजा को डिस्क्रिमिनेशन करे। तो ये सब कोई बादशाह नहीं था एक प्रकार से, इसलिए इसको लुटेरा कहा ही जाता है। ठीक, इतिहास को थोड़ा अपने विचार बदलिए। ज़्यादा मैं अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर कभी। तो ज़कात हम समझ गए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट, द चीफ सिटी ऑफ ड्यूरिंग मुगल रूम बाज, मुगल रूल बाज, मुगल शासन काल में शहर का प्रधान कौन था? तो शहर का प्रधान उसको कहते थे कोतवाल। जो कोतवाल था उसको नगर प्रधान कहा जाता था मुगल काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये थोड़ा ये हो गया आपको शॉर्ट एंड सटैप प्रकार का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इतना ही था। सारा ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर दिए आंसर के साथ, प्रूफ के साथ दिखा दिए आपको। अब थोड़ा एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा तो, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, डिस्कस द काउज एंड रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करें। तो आप पढ़े होंगे तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड, क्रिटिकली एग्जामिन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, मतलब अकबर के धार्मिक नीति की आलोचनात्मक परीक्षण करें। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट, फाइव नंबर, एक्सप्लेन द डक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल, मुगलों का दक्षिण नीति की समीक्षा करें। सिक्स नंबर है, एसेस द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन मुगल पीरियड, मुगल काल में शिल्प एवं उद्योग विकास की समीक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ नंबर, डिस्कस द एग्रियन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल काल में कृषि संरचना की विवेचना का करें। एट, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ हिंदू लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल काल में हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास। हाँ हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द काउज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें। टेन नंबर, थ्रो लाइट ऑन द अर्बन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुगल पीरियड, मुगल काल में नगरों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालें। देखिए तो ये पूरा क्वेश्चन था, आपको हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर था, पेपर सॉरी ये पेपर पाँच है, बीएससी पार्ट थ्री का पेपर पाँच है, सॉरी बीएससी नहीं बीए, सॉरी आई एम सॉरी वेरी रियली सॉरी, बीए पार्ट थ्री, बीए पार्ट थ्री पेपर पाँच हिस्ट्री ऑनर्स पेपर पाँच है, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव पूरा डिस्कस कर ही दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई और अगर आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए, हम उसका आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।